समा जिहड़ा कलयुग दा है जां चल रहा, लब पाप दोए राजा महता कूड होआ सिकदार, काम नेव सद पुछिया बह बह करे विचार, अंधी रईयत ज्ञान विहूणी भाए भरे मरदार, ज्ञानी नचै वाजे वावै रूप करै शिंगार। ये जिहड़ी अज कलयुग की हालत है, कलयुग दे विच आपां दोनों ही फायदे लै सकते हैं, कंसैशन बहुत है इहदे च। एक कनेडा च एक थां आ, उत्थे नेरा ही रहिंदा बस, पर घंटा कै माड़ा जिहा सूरज देख के सूरज ओले हो जाता, उत्थे नेरा ही रहिंदा, उत्थे लाइट बलदी ते इन्नी बर्फ पैंदी आ, उत्थे जे कोई रह जाए उहनूं बड़ियां सहूलतां दिंदी गवर्नमेंट, उहनूं पक्का भी करदे छेती। फिर कई बेचारे जाके फिर उत्थे फसदे भी बर्फ दे विच, चल पक्का हो जाऊ दो साल। तो साध संगत दे कलयुग का समय, ये कई चीज़ा ऐसा आ जाए ने, कई गलों के आप कई काम यह जे होंगे ने जिस कहें ये तेन असी लाभ ज्यादा देंगे। कलयुग दे कोई लगता ही नहीं इधर नू परमात्मा वालू बाणी वालू अमृत छकन वाले पासे नू, पर एक चीज़ देखो जे कोई कलयुग के समय के पाठ शुरू कर दे, जिन्ना तपस्या सतयुग के एक लख वरा च बंदा करता, तुसीं कहोगे एक बंदा लख वरा ज्यौंदा, सतयुग के उम्र लख वरा ही होंदे सी, त्रेते दे विच 10,000 वरा सी, द्वापर के उम्र 1,000 वरा रही है बंदे की, फिर 100 वरा रही कलयुग, हुण तां कोई हिसाब ही नहीं है। हुण तां 28 साल वालों नूं भी हार्ट अटैक हो रहा, 30 साल वालों नूं 40 वाला मर जांदा, हुण बीमारियां ऐसियां पैदा हो गई। गुरु साहब ने यह कलयुग का समा उत्तम दसिया, कलयुग उत्तमो युगा माहे, धन धन कलयुग नानका, इहनूं धन भी कहा। क्यों? जे अबल तां कोई लगता ही नहीं इधर नूं, ते जे कोई कलयुग दे विच 40 दिन दे विच 1,25,000 मूल मंत्र कर दे, सतयुग का 1,00,000 साल ते कलयुग दे 40 दिन एक बराबरी फल मिल जाता। अज सारे कहिंदे असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब तों बिना नहीं मानते किसे नूं, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तां लिखिया होया, जे लिखिया होया मानदे हो तो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने भी जे कोई सिख है मेरा, जाओ तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजा सिर दीजा कान ना कीजा। वो तो बाबा दीप सिंह ने ही मन्या, फिर बंद बंद। तो इस करके साध संगत ये बार बार लिखिया, मौका कर संतन की धूरे, ये सीधा नहीं भी किसी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मंनदा हाँ, चलो ठीक मन। एक महापुरख होए ने पुराने टाइम च राड़े वाले संतां दे नाल काफ़ी सहचार सी, बाबा हरी कमल जी उधर रहिंदे हुंदे सी, लुधियाने जिले च बहुत वधिया कथा करदे हुंदे सी, राड़ा साहब बड़ा आउण जाण सी उहनां दा। यह बड़ी पुरानी गल है, 75-76 च, उदों बाद शायद असीं मिलण गए एक वारी, 80 दी गल, तां उहनां ने ये एक गल सुनाई, कहिंदे अज लोग कहिंदे मैं गुरु ग्रंथ साहिब को मानता हूँ, कहिंदे ये तो ठीक है, पर यह नहीं कहिंदे कि भी गुरु ग्रंथ साहिब की मानता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब नूं तां मानदे आ, पर उहदी गल नहीं मानदे। ये बड़ा औखा सौखा मूँह चो कह दिंदे आ कि मैं तां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मानदा ना, फिर सतगुरु ने ऐ क्यों लिखता कि मन्ने की गात कही ना जाए। जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब का मनन किया है उन्हां दी गत जिहड़ी अवस्था हुंदी है वह कही नहीं जा सकती। गुरु ग्रंथ साहिब नूं तां मनदे हैं, मनन करन वाले तां बड़े मनै, सुरत होवै मन बुद्ध मनै सगल भवन की सुध, कि तेरी एडी अवस्था है जिहड़ा तू कहना मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा, फिर तेरी सुरत होवै मन बुद्ध, मन ते बुद्ध विच तेरे सुरत ज्ञात होई है तिन्ना लोकां दी, मन्ने सगल भवन की सुध, कि तैनूं हुण तिन्ने लोग दिखण लग पिया।
जेड़ा मनन करन वाला है ये सौखा काम नहीं। देखो असि गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदे आ ठीक, मनिए तो जे पहला सुनीए, पहला सुनिया दी चार पौड़ियां ने, तुसी पहले ही छाल मार के मनन ते पहुँच गए हो। मानदा मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदा, कदे सुनिया भी आ, या तो दसो इत्थे इन्नी संगत बैठी है। हाँ मैं अजे कहाँ हथ खड़े करो जिन्हें आप कले ने सहज पाठ किया, पांच चार हथ खड़े हो जाएंगे। पर मैं इत्थे बैठी संगत नूं पूछा भी कदे किसी ने गुरु ग्रंथ साहब सारा पाठ सुनिया कोल बह के? इत्थे कोई भी नहीं निकलना, एक कोई बीज नाश नहीं हुंदा निकल सकता, पर एक नूं असीं फिर की करना? गुरु ग्रंथ साहब का सारा पाठ कदे किसी ने बह के सुनिया? जे कोई कहना मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदा, फिर वह बह के सारा पाठ सुनिया? जे तू गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदा तो तैनू गुरु ग्रंथ साहब सारा कंठ होना चाहिए। फिर कंठ है जे तू गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदा, मैं जिहड़ी पंक्ति पढ़ूं उहदा अर्थ नाल नाल करी फिर तू। अरे वो तो मैनू आउंदा नहीं, कंठ मैनू है नहीं, मैनू नहीं समझ लगी मानदा की है। इस करके साध संगत चलो कई गल्लां दा तुहानू नहीं पता, किताबां च भी नहीं आउंदियां, रूहानियत विच बहुत सारियां चीज़ां महापुरख दस जांदे ने। बाबा नौत सिंह जी होए, बहुत संग जानदे बड़े नहीं जानदे, जदों आपां श्री अमृतसर साहब तो श्री तरन तारण साहब जांदे आ रस्ते विच बाबा नौत सिंह दी समाध पैंदी, उत्थे सारिआं नूं मत्था टेकणा ही पैंदा, क्योंकि जे गड्डी ऐं लै गए फिर गड्डी पलट जू अगे जाके, खालसे दा उत्थे राज आ पूरा। उत्थे हरेक नूं मत्था टेकणा चाहीदा, भेटा चढ़ाउणी चाहीदी आ। दुनिया होर पासे चल पई। एक बार एक सिंह नूं हुक्म हो गया, कहिंदे भाई पीपा घिओ दा सिर ते चक के लैके आ, उत्थे लैके आ। वो भी सिंह तकड़ा सी, पीपा घिओ दा सिर ते चक के लैके गए। बाबा नौत सिंह दे दर्शन हुंदे सी उस सिंह नूं, कहिंदे सिंघा मेरी एक इच्छा। कहिंदे हाँ बाबा जी दसो। कहिंदे मैं 93 साल की उम्र च शहीदी पाई है भाई। कहिंदे मैं अपनी जिंदगी च 1000 सहज पाठ किया। आखो सतनाम उरे भाइयों ने किसी ने एक भी नहीं किया होना। मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदा, मनन वाले की मैं गल करदा, 1000 सहज पाठ। तो साध संगत बाबा जी कहने, मैं कहना भी तू किन्ने? कहते बाबा जी मैं तो 101 की अरदास की हुई है भी 101 सहज पाठ तो मैं कर दूंगा। कहने जे मेरी मने ना सारा कुछ छड़ दे, बह जा बस, बार बार जन्म नहीं मिलता हुंदा भाई सिंघा, 1000 सहज पाठ तू भी कर दे। इस करके महापुरख जिहड़े हुंदे रात नूं, बाबा हरनाम सिंह जी कहिंदे मैं रात नूं 9 बजे सौ के 11 बजे उठ के नहा लैंदा सी। 11 बजे उठ के नहा के 32 माला मूल मंत्र दियां तड़के 4 बजे तक कर देणी, वह थोड़ा जिहा बोल के ते सुन के करदे सी तां इन्ना टाइम लगदा सी। 4 to 6 बजे तक वे बाबा जी ने कहना मैं आराम कर लेना। मैं बाबा जी फिर नींद पूरी हो जाती सी। कहने दरिया इन्ना चौड़ा हुंदा, पता नहीं कित्थे तक पानी फैल जाता। कहने जद आउंदा ना पुल दे कोले, कहने कट्ठा जा हो के लंघ जाता पानी उत्थे। कहने नींद भी आई आ, कहने सारी रात बैठे रहे, 2 घंटे सौ लो, 2 घंटे च पूरी हो जाती है। ये तो कहते ऊ मस्ती मारदे लोग भी मैं 8 घंटे सौना, बस डॉक्टर कितने किसी को कह देना भी 7 घंटे 8 घंटे सौ, मैं डॉक्टर ने कहा। आ बड़ा चितार दे, एक दा परसों फोन आया बाहरों, कहना मेरा ऑपरेशन होया, फिर मैं हूँ तरी पीना मीट दी आंडे भी खाना। कहना मैं किने कहता तैनू हूँ? कहना डॉक्टर ने कहा। मैं कहा नाले तेरे डॉक्टर ने तो नाले तेन जी उत्ते जुत्ती वरनी है ना, वो जाके फिर कौन छड़ाऊ? जिन्नियां मच्छियां खाएंगा उन्नी बार मच्छी का जन्म लेना पेगा। मैं कहा देख ला सिर च जुत्तियां बहुत भजनिया जाके तेरे। मैं तुसी महाराज नूं समझ दे कुछ। इस करके आ कि सारी संगत मैं इन्ना कि सुना नहीं सकता,
ਸੇਕ ਕਨੇਹਾ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਤ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਬਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ 61 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, 5-5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ 1 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆਹ ਨਾੜਾਂ ਜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੀ, ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਾ, ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ, ਇੱਥੇ ਅਰਾਰਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੇ ਔਂਕੜਿਆ, ਤਰਨ ਨਾਮ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਆਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ, ਮੁੰਡਾ ਕਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਔਖਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,